इंदौर में शासन के आदेश के चलते सभी विभागों में जनसुनवाई का दौर फिर एक बार शुरू हो गया है। इसी कड़ी में नगर निगम की जनसुनवाई में कृष्ण वाटिका के रहवासियों ने मूलभूत सुविधाओं को लेकर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है। इंदौर के बांगरदा रोड स्थित कृष्ण वाटिका के करीबन दर्जनों परिवार द्वारा नगर निगम पहुंचकर मूलभूत सुविधाओं को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर किया है। वह रहवासियों का आरोप है कि कॉलोनी में ना ही पीने की पानी से लेकर ड्रेनेज लाइन सड़क की किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। कॉलोनाइजर ने जिस तरह से वादे किए थे वह भी नहीं मिल पा रहे हैं और इसी के साथ नगर निगम द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं उसे भी रहवासियों को वंचित रखा जा रहा है। इसी को लेकर आज नगर निगम की जनसुनवाई में निगमायुक्त को ज्ञापन सौंपा। मूलभूत सुविधाओं को लेकर गुहार लगाई गई है जिसको लेकर उन्होंने आयुक्त संदीप सोनी को आदेश जारी किया है। क्या कुछ मांग करते हैं, क्या समस्या है आपको? हम लोग कृष्ण वाटिका का छोटा बंगरदा कॉलोनी MR5 से आए हुए हैं और पिछले विगत 4 वर्षों से हम लोग वहाँ पर निवास कर रहे हैं तथा हमारी समस्याओं को लेकर हम आज यहाँ पर आए हुए थे जो कि काफ़ी बढ़ चुकी है और पिछले इतने समय से हम काफ़ी समस्याओं के लिए काफ़ी आवेदन कर चुके हैं, रिक्वेस्ट कर चुके हैं CM हेल्पलाइन से लेकर सभी अधिकारियों को, पर किसी प्रकार से कोई सुनवाई नहीं हुई, किसी प्रकार का हमारा हेल्प नहीं किया गया अभी तक। इसको लेकर हम यहाँ पर सुनवाई में आए हुए थे, यहाँ पर रिक्वेस्ट करने आए थे कि हमारे इसमें ध्यान दिया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ पर आप देखें अभी तो ना तो अप्रोच रोड है, ना पीने के पानी की व्यवस्था है, ना ड्रेनेज के पानी की व्यवस्था है। ड्रेनेज का पानी वर्तमान में 4.5-4 फीट भरा हुआ है तथा जिस कारण से आप देखेंगे तो स्कूल बस, अग्निशामक वाहन, कोई भी किसी भी चीज़ की अगर इमरजेंसी भी ज़रूरत पड़ती है तो वो अंदर गाड़ी नहीं आ सकती, लोग बाहर नहीं जा सकते, पोजीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। जो हमारे पास एक अप्रोच रोड हमें दिया गया है उस अप्रोच रोड को कभी भी वन विभाग आकर बंद कर देता है, मिट्टी डाल के बंद कर देता है, बोलता है ये रोड हमारा है, इसका उपयोग आप नहीं कर सकते। कमिश्नर मैडम ने क्या कहा? कमिश्नर मैडम ने अभी संदीप जी को रिक्वेस्ट किया है, उनको बोला हुआ है कि इसमें देखें, उन्होंने अभी हमें सारे आवेदन के लिए बोला गया है और कॉलोनाइजर को बोला जाएगा इसमें कार्य करने के लिए, अगर वो नहीं करते तो फिर उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई वो करेंगे। आपका पूरा परिचय? मैं रितेश यादव, कृष्ण वाटिका कॉलोनी, बाकी सब जितने भी हैं आप देख रहे हैं। जनसुनवाई में कृष्ण वाटिका के लोगों ने अपना आवेदन दिया है और उनका जो शिकायत है वो कॉलोनाइजर की शिकायत थी कि कॉलोनाइजर ने जिस समय उनको प्लॉट बेचे, ये कॉलोनी लगभग जैसा आवेदकों ने बताया कि 700 प्लॉट्स की है और वहाँ पर ना एक्सेस है लोगों को, लोगों का जो मेन रास्ता बताकर उनको प्लॉट दिए गए वो भली प्रकार नहीं है और बाकी अन्य सुविधाएं, जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, स्ट्रीट लाइटिंग की भी शिकायत की गई है। तो हम लोग इस शिकायत पत्र की जांच करा रहे हैं और इस कॉलोनी का स्टेटस क्या है और अगर इसकी CC हुई है तो उस समय पर क्या स्थिति थी, अभी क्या स्थिति है, वैध कॉलोनी अवैध कॉलोनी, ये सभी चीज़ें हम लोग इसका निकलवा रहे हैं। जहाँ भी 700 परिवारों के घर बने हुए हैं वहाँ इस तरीके की समस्या का हम लोग निराकरण करेंगे। क्योंकि कोविड के केसेस कम